मतलब कि अब जो है कंपनी 70% जो है आपको रिटर्न दे रही है, और इस रिटर्न को कंपनी ने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हर एक पर्सन जो उस सेल्स में इन्वॉल्व है, राइट, हर एक पर्सन जो उस पर्टिकुलर सेल्स में इन्वॉल्व है उसके पास एक प्रोसेस से पैसा पहुंचे, जहां पे हर कोई इंसान ई शिक्षा के माध्यम से अपना एक फ्यूचर, अपना एक्सपोजर बड़े लेवल की इनकम को हर महीने देख पाए, प्लान कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक। और उसको लेकर के सर ने आपको ये भी समझाया कि बेसिकली करना कुछ नहीं है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे स्पॉन्सर करे होंगे आप में से, और अभी आप कर रहे हैं, राइट। तो जिनके जिनके 10 स्पॉन्सर्स हो चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन क्वालिफाइड फॉर दैट ट्रेनर क्राइटेरिया। अगर अभी तक आप लोग के 10 स्पॉन्सर्स अगर हो चुके हैं तो आप लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हो। जिनके 3 हुए हैं उनको 7 करना, जिनके 4, 5, 6, 7 जो भी हुए हैं उनको रिमेनिंग जो है सेल्स करा करके अपना ट्रेनिंग क्राइटेरिया के अंदर अंदर क्वालिफाई करना है। दूसरा, पहली कंडीशन है कि अगर मेरे को टीम बोनस इनकम लेना है ई शिक्षा के माध्यम से, तो मेरे को बेसिकली ट्रेनर की क्राइटेरिया में आना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को 10 सेल्स दर्शन कराने की रिक्वायरमेंट है, जो हमने अभी करा है, वो सारे लोग ट्रेनर की कैटेगरी में आए। दूसरी चीज, वो जो 30% रुपीज है वो एक फॉर्मूले से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो फॉर्मूला सेम है जो अभी डिटेल्स में डायमंड को पीआरओ भी मिलता है, जिस तरीके से डायमंड की रॉयल्टी इनकम होती है, वो सेम फॉर्मूले के माध्यम से आपको ई शिक्षा में जो है 30% की इनकम मिलेगी। और आपको एक काम छोटा सा ये करना है कि हर महीने क्वालिफाई करने के लिए एक पर्सन स्पॉन्सर ई शिक्षा में करने होंगे। Is that clear? Yes, sir. Clear है आप लोगों को? Yes, sir. चलो बढ़िया। So, और बहुत सारी बातें रवि सर ने समझाई स्टार्टिंग के सेशन में। एक बिग कहने की जेस्चर, एक बिग थैंक यू टू रवि का ग्लोबल सर, जिन्होंने आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट हम लोगों को समझाए। सर्वाइव करना होता है, सर्वाइवल इज द गेम, राइट। टू विन द गेम यू शुड रिमेन इन द गेम। जीतने के लिए आपको गेम में बने रहना इंपॉर्टेंट है। तो मेन जो काम है इस बिजनेस के अंदर अंदर वो है सर्वाइवल का, राइट। और सर्वाइवल के लिए सबने बहुत बहुत अच्छी नॉलेज हम लोग को शेयर करा कि हम इस बिजनेस में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। एक्चुअली इस बिजनेस में फेल होने का एक ही रास्ता होता है कि आप इस बिजनेस में क्विट कर, राइट। जो इस बिजनेस को कोई नहीं करते वो फेल नहीं होते। पहला एक बिजनेस है, पहला एक काम है, पहला एक व्यवसाय है, पहला एक माध्यम है हम लोगों के लाइफ में, जहां पे आपको जीतने के लिए, जहां पे आपको जीतने के लिए एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि आपको कभी भी क्विट नहीं करना। ये बात समझ रहे हैं? आप कोई भी काम करते हैं वहां पे आप पास हो रहे, फेल हो रहे, That depends on particular system. उस system के according depend करता है, number से ही होता है, कहीं amount of work होता है, वगैरह 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 होता है। लेकिन एक ऐसी industry में direct selling industry जहाँ पे आप अगर टिके हैं तो आप fail नहीं होंगे। No matter अगर आपको 1 साल हुआ, no matter अगर आपको 6 महीने हुए, no matter आपको 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, no matter आपको 7 साल हुए, doesn't matter, अगर आप टिके हुए हैं मतलब ये है कि आप फेल नहीं हुए हैं। फेलियर की गारंटी यहाँ पे यही है कि आप इस बिजनेस को क्विट कर दीजिए, और सक्सेसफुल होने की गारंटी यही है कि आप इस बिजनेस में सरवाइव करते रहे, राइट। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जो कि इस बिजनेस में बने हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टार्टिंग 2 साल इस बिजनेस के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल को लेकर काम किया था। अगर मैं आपको सच बताऊं, जो अंदर अंदर जब डायरेक्शनिंग को शुरू करके भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था जैसे, राइट, आज के डेट में फैसिलिटीज बढ़ता के अंदर अंदर हमारे
आसपास की जो अपॉर्चुनिटी थी या फैसिलिटी थी वो इतनी नहीं थी, राइट। तो हमारे माइंड में बस इसमें से बात आ रही थी कि हमें इस बिजनेस में सरवाइव करना है। क्या करना है? सरवाइव करना। अगर टिके रह गए तो जरूर बन जाएंगे, अगर टिके रह गए तो बन जाएंगे, हमारा कंसेप्ट क्लियर था, राइट। तो अगर आप सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले अपना एक कंसेप्ट क्लियर करिए कि अगर टिके रह गए ना तो इंडस्ट्री बना डालेंगे, इंडस्ट्री बना डालेंगे, हम बन जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम है किस बिजनेस में टिके रहना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और टिकना सबसे बड़ा चैलेंज भी है इस बिजनेस के अंदर, राइट। क्योंकि ये बिजनेस का जो मेन, मतलब जो इस बिजनेस का जो फॉर्मेट इस तरीके से डिजाइन है कि आपको कहीं ना कहीं फिल्टर आउट करता है, ये बिजनेस हर एक पर्सन को फिल्टर आउट करता है, और वो फिल्टर आउट एक ही प्रोसेस में करता है कि आप इस बिजनेस में बने रहेंगे कि छोड़ देंगे, राइट। आप इस बिजनेस में बने रहेंगे कि छोड़ देंगे, किसी तरीके से बिजनेस हर लेवल पे, हर दिन, शायद हर घंटे आपको कहीं ना कहीं एक चैलेंज देता है, कहीं रिजेक्शन के रूप में, कहीं आपका मजाक उड़ाया जा सकता है, कहीं आपका विरोध हो सकता है, कोई भी प्रोसेस आपके साथ लागू हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, है ना, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज हो सकता है, और किसी भी कंडीशन में आपको, अगर आप अपने आप को उस बिजनेस में बनाए रखते हैं तो पहली लड़ाई जीत जाते हैं। पहली लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई है कि आप जिंदगी के, अपने लाइफ के किसी भी पड़ाव पे, राइट। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियर अबाउट 17-18 के साल में है, मतलब 11-12 में है। अब जो बच्चे 11-12 के अंदर होते हैं उनके लिए भी चैलेंज होता है, उनके लिए भी चैलेंज होता है कि मैं इस बिजनेस को करता रहूं या क्विट कर, क्यों? क्योंकि अभी तो मैं बच्चा, मेरी एज क्या है, राइट। तो उनके लिए एक अलग चैलेंज होता है, उनकी मैच्योरिटी बहुत कम होती है। आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ सामने में, जिनकी एज कहीं ना कहीं 100 और 20 साल के अंदर अंदर के जो बच्चे होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है दैट दे लैक मैच्योरिटी। क्या लैक करते हैं हम लोग? मैच्योरिटी लैक करते हैं। उस समय हमारे लिए है ना एक इंस्टेंट डिसीजन लेने का प्रोसेस होता है, इस बिजनेस को करना है, नहीं करना है, है ना, क्या करना है। तो पहला जो चैलेंज होता है नए लोगों के लिए वो आपकी मैच्योरिटी है। आप में से मैक्सिमम जो आगे के रोज में मैं देख रहा हूं, आपके सबसे बड़ा जो काम करना है दैट इज टू इंक्रीज योर मैच्योरिटी लेवल। मैच्योर होना बहुत जरूरी है, और कहा जाता है कि इस बिजनेस के अंदर अंदर है ना यंग एज मिलियनेयर या यंग एज बिलियनेयर बहुत सारे बड़े बने हैं, वो वही सारे लोग रहे हैं जिन्होंने कम एज के अंदर अंदर अपनी मैच्योरिटी लेवल पे काम, वो दिखते हैं 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, लेकिन उनका जो मैच्योरिटी लेवल है 25 साल, 26 साल, 27 साल वाले पर्सन का होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो कम एज वाले बच्चे हैं उनके लिए ये है, आप लोगों के लिए ये है कि आप सारे लोग बिजनेस में सबसे पहले अपनी मैच्योरिटी लेवल को इंक्रीज करने पे काम करें, राइट। आप इस बिजनेस में टिकेंगे, आप बिजनेस में नहीं टिकेंगे, आपकी एज 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है, बस इस डिसीजन पे कहने के निर्भर करता है कि आपकी मैच्योरिटी कितनी। अब सेकंड फेज में बहुत सारे लोग यहां पे बैठे होंगे जिनकी एज शायद 20 से 25 के बीच में होगी, राइट। दे मे बी इन देयर रनिंग ग्रेजुएशन और दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे, और कहीं ना कहीं जो अपने उस लाइफ के फेज में होता है, जो सेकंड फेज होता है, राइट। हम सारे लोगों के बीच में कुछ ऐसे बच्चे जो सेकंड फेज में है। अब सेकेंड फेज के अंदर अंदर एक चैलेंज तो है कि हमारे अंदर मैच्योरिटी लेवल कम है, क्योंकि 20 से 25 साल की एज के अंदर अंदर भी हमारी जो मैच्योरिटी होती है वो उस लेवल की नहीं, राइट। मतलब हमारे पास दो चैलेंज यहाँ पे आने वाला है, पहला तो कि हमारी मैच्योरिटी कम होने वाली है, वो भी चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज ये है कि हमारे लाइफ में एक नई समस्या आ गई है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? डिस्ट्रैक्शन की। और ये दो कारण हो सकते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस को क्विट कर सकते। 20 से 25 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अंदर 20 से 25 साल के अंदर वो क्विट करते हैं जो या तो इमैच्योर डिसीजन ले लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट।
अब में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी एज में भी 25 साल से ज्यादा की होगी। अब जब हम थर्ड फेज में एंटर कर जाते हैं दैट इज अबव 25 इयर्स, तो कह रहे कि हम मैच्योर हो जाते हैं, इतना मैं मानता हूं, डिस्ट्रैक्शन भी हमारे खत्म हो जाते हैं। बट यहां पे एक और समस्या शुरू हो जाती है, वो समस्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना इस बिजनेस के माध्यम से, वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस बिजनेस के साथ मैनेज कर पाना, ये एक चैलेंज होता है। और जो इस चैलेंज में कहीं ना कहीं खड़े उतर पाते हैं वो इस बिजनेस में सरवाइव कर पाते हैं। मैंने कहने के पिछले 6 साल के अंदर अंदर, 5.5 साल के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों को देखा, राइट, कहीं ना कहीं 14-15 हजार लोगों से मेरा पर्सनल इंटरेक्शन है इस बिजनेस के अंदर, मतलब उनसे मेरा एक इंटरेक्शन है, अच्छा इंटरेक्शन, उनको मैं जानता हूं, राइट, 14-15 हजार लोगों के कॉन्टेक्ट में रहा हूं 5 से 5.5 साल के अंदर। और जो मैंने ये चीजें आपको शेयर कर रही है वो उनके, वो मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है, राइट। अब अगर 5.5 साल के अंदर अंदर मैंने 14-15 हजार लोगों से इंटरेक्ट किया पर्सनली और इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया हर लेवल पे, इस इंडस्ट्री को देखा, राइट, कहीं ना कहीं आई डोंट नो, मतलब 1000+ ट्रिप रहे होंगे मेरे को नहीं याद है, मैं मतलब 2017 के अंदर अंदर, 2018 के अंदर अंदर, 2019 के अंदर अंदर मैंने इतने सारे ट्रिप्स लिए हैं कि मैं उसका कैलकुलेशन नहीं बता सकता। तो कितने सारे प्लेसेस पे जाना, ट्रिप्स लेना, नए लोगों से मिलना, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, तो समझ में आया कि एक्चुअली इंडस्ट्री है क्या। देखो दो चीजें होती है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस पर आता हूं। पहली चीज ये होती है कि इस इंडस्ट्री को कोई आपको समझाता है, आपकी अप्लाई समझाता है, कोई ट्रेनर समझाता है, कोई यूट्यूब पे वीडियोस आता है, आप उसको समझते हो, उससे आपकी एक समझ बनती है, आपकी इस इंडस्ट्री को लेकर के उससे आपकी समझ बनती है, आप ये जानते हो कि इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल क्या है। बट जब आप खुद से समझना शुरू कर देते हो, जब आप खुद से समझना शुरू कर देते हो, मतलब कि 2017 से 2019 या 20 तक मैं मानूं, लॉकडाउन से पहले पहले मैं मानूं कि मुझे दो तरीके से समझती इस इंडस्ट्री को लेकर के। पहली समझ ये थी कि मैं अपलाइन के माध्यम से इस बिजनेस को समझ रहा था, दूसरा मैं कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया या जो हमारे बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट होते उनके माध्यम से मैं इस बिजनेस को समझ रहा था। और वो समझ कुछ हद तक हमारे लिए काम करती है, मुझे काम कर रही थी कि मेरे को समझाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, बट एक्चुअली इस बिजनेस की समझ उसी पर्सन को होने वाली है, एक्चुअल में इस बिजनेस को समझ उसी पर्सन की होने वाली है जो एक्चुअल में अपने आप से इस बिजनेस को समझेगा। अपने आप से समझने का मतलब क्या है, जब आप काम करते हैं तब आपको इस बिजनेस की समझ होगी। आप में से जितने भी लोग होंगे जो एक्टिविटी करेंगे उनको इस बिजनेस की एक रियल समझ, राइट, जो आप सुन रहे हैं यहां पे सुनकर के आप एक समझ बन रही है, बट जब आप एक्चुअली में रिजेक्शंस फेस करते हैं, जब एक्चुअली में आप इंटरेक्शंस करते हैं, राइट, तब आपकी एक्चुअल में वो समझ आती है जिस समझ के हिसाब से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप अपने लाइफ को कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं, राइट। अब वो समझ कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर अंदर या फिर ओवरऑल जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर अंदर एक समझ आज के डेट पे कमी है, वो समझ यही है कि हम सारे लोग इस बिजनेस को अपने बिहाफ पे नहीं समझ, हम सारे लोग इस बिजनेस को अपने बिहाफ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहे, हम सारे लोग अपने लिए एक कुछ कहीं ना कहीं एक ऐसे पैरामीटर नहीं सेट कर रहे जिससे सर मेरा पर्सनल ग्रोथ हो सके इस बिजनेस, राइट। पूरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? वो 1% वीडियो बना रहे हैं उनसे सब लोग ले लीजिएगा, सब लोग वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं, समझ रहे हैं बात को? तो अगर आप सुनेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोई 1% है, मान के चलो ये है, ये अपॉइंटेड है, यहाँ पे अपॉइंटेड है वीडियो बनाने के लिए, ठीक, इनको अधिकार मिल चुका है, अब सारे लोग आपको तो सुन नहीं पाओगे, ठीक, इनसे वीडियो ले लीजिएगा, ठीक। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, मैं आपको कहने क्या चाह रहा हूँ, देखो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बिजनेस के अंदर अंदर कि मैं 5.5 साल तक इस बिजनेस में 100% एक्टिव रहा, मेरी बात समझ रहे हैं?
ये बहुत छोटी सी लाइन हो सकती है लेकिन इसके अंदर एक बहुत डीप मीनिंग, राइट, इसके अंदर एक इतनी बड़ी डीप मीनिंग है जो शायद आप में से मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाए। सर 100% एक्टिव करने का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है 100% एक्टिव करने का मतलब? मतलब ये है कि जब से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा, जिस दिन से मैंने इस बिजनेस में डेट ऑफ रियलाइजेशन आया, राइट, DOR, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं डेट ऑफ रियलाइजेशन, जब आपको रियलाइज होता है इस बिजनेस को क्यों करना है, उस दिन से लेकर के आज तक मैं इस बिजनेस में 100% एक्टिव हूं का मतलब इसकी जो मीनिंग है ना, मैं आपको बताऊं कि 90% लोग नहीं समझ पाए। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। और अगर आप इस मीनिंग को नहीं समझ के जा रहे हो तो आपका 2 दिन का सेशन बिल्कुल वेस्टेज है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। मतलब सीखने का पर्पस जो आप आए थे वो वेस्टेज। मतलब अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पिछले 5.5 साल से कहीं ना कहीं मैं इस बिजनेस में 100% आया, इसका मतलब समझ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे लिमिटेड 1 से 2 लोग ऐसे होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग मान के चलो यहाँ पे जो है ब्लेजर वाले, राइट, उसके अलावा शायद आप में से कोई ऐसा पर्सन होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं होगा, मैं ये कह रहा चलो कि शायद कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो इस बिजनेस में 100% एक्टिव रहा है, 100% एक्टिव, राइट, रहा है। तो पहली चीज ये समझना है ना माय डियर फ्रेंड कि देखो इस बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले आपको 100% एक्टिव रहने की जरूरत है। What do we mean when we say that we are 100% active? हम 100% active थे, मतलब मैं 100% active था, या मैं आज 100% active हूँ, मतलब मैं था तो हूँ और रहूँगा। अगर मैं starting में active नहीं रहा होता, तो आज के date पे मैं जिस level पे हूँ, जो मेरी responsibilities है, मैं यहाँ पे भी active नहीं होता। If you are not 100% active as an associate, then you will not be 100% active as a premium associate, and if you are not 100% active as a premium associate, there is very less chance that you may get 100% active as a cycle of business. मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर आप इस बिजनेस में टिकना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस में जीतना चाहते हैं, बिजनेस लगता है क्या, लाइफस्टाइल चाहिए लगता है कि मेरे को यहाँ का नेम फेम चाहिए, लगता है कि मेरे को भी कुछ करना है, मैं यहाँ पे कुछ करने आया हूँ, ना कुछ देखने आते, कुछ दिखाने आते, आपको लगता है कि डायरेक्शन में मैं दिखाने आया, आपको लगता है कि डायरेक्शन से मेरा कुछ बड़ा फ्यूचर बन सकता है, आपको लगता है कि सर डायरेक्शन में ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसको फ्री में कर रहा हूं, मेरे को कुछ करना है। अगर लगता है तो पहली चीज ये समझिए कि अपने आप को टिकाए रखिए, अपने आप को अगर टिकाए रखेंगे तभी इस बिजनेस के अंदर अंदर आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और टिकने के लिए आपको यहां पे 100% एक्टिव होना पड़ेगा, 100% एक्टिव मतलब क्या हो सकता है, आप मुझे कोई बताना चाहेगा 100% एक्टिव का मतलब हो क्या सकता है? मतलब मैंने नहीं बताया अभी तक कि 100% एक्टिव होता क्या है, या मैं 100% एक्टिव कैसे था, आप मुझे कोई बताना चाहेगा कि 100% एक्टिव का मतलब क्या हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से? को चलिए और कोई बताना चाहेगा, और कोई बताना चाहेगा एलिफेंट? मतलब 100% एक्टिव रहने का मतलब सिंपल सा है, राइट, कि यू आर डूइंग योर वर्क, आप अपना काम कर रहे हो जो आपको करना है, आपकी समझ है इस इंडस्ट्री को लेकर के, राइट, आपकी एक समझ है इंडस्ट्री को लेकर कि यार अगर मेरी अप्लाई ने मेरी बेसिक ट्रेनिंग कर दी और बेसिक ट्रेनिंग को अप्लाई ने बताया कि चल आपको ये टास्क कंप्लीट करना है और मैंने अपना बेस्ट दिया उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट मींस आई एम 100% एक्टिव, वो काम हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, काम ईमानदारी से कर रहे हैं ना, मतलब हम क्या है 100% एक्टिव है। और जहां पे हम काम चोरी कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि 100% एक्टिव नहीं, ये बात समझ, राइट, मतलब जो मेरा बेस्ट है, जो मैं बेस्ट दे सकता हूं, जो मेरे 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 कहीं ना मेरे कंट्रोल में है, उसका अगर मैं 100% दे रहा हूं, जो मेरे पार्ट में, जो मेरे पार्ट में है, अगर मैं उसका 100% दे रहा हूं, दैट मींस आई एम 100%
एक्टिव, और अगर हम इस बिजनेस में 100% एक्टिव हैं तो टिक जाएंगे, टिक जाओ, डेफिनेटली टिक जाओगे। और कहा जाता है हर गधे का दिन आना, कहा जाता है ना, राइट। तो यहाँ पे तुम इंसान ही है, इंसान को दिन जरूर आएंगे, आएंगे ना। तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली इस बिजनेस के अंदर अंदर हर एक पर्सन का एक दिन भी आता है, एक डेट भी आता है, राइट। आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर अंदर बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि आपको 100% एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने आप से ईमानदार रखना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपके जो हिस्से में है, अगर आप वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में आगे ग्रो करते चले जाएंगे, रास्ते बंद होते चले जाएंगे, रास्ते खुलते भी चले जाएंगे। From my experience, कहने की सारे 5 साल के अंदर अंदर बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, बहुत सारे प्लेसेस पे काम किया, right? बहुत सारे मेट्रो सिटीज में काम किया, बहुत सारे छोटे शहरों में काम किया, मतलब आई डोंट नो कहाँ कहाँ मैंने काम किया, आई डोंट नो मैंने कहाँ कहाँ ट्रिप ली, आई डोंट नो मैंने कितने सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, बट बहुत सारे ऐसे जगह पे बहुत बड़ा रिजेक्शन भी मिला जब काम किया तो, और बहुत सारे ऐसे जगह पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिली। ये तब हुआ जब मैंने काम किया, और अगर मैं काम नहीं कर रहा होता, अगर मैं मीटिंग नहीं ले रहा होता, तो मैं ये बोलता कि सर सब कुछ ऊपर वाले के हाथ से, राइट। और बहुत सारे लोग होते हैं इस बिजनेस के अंदर अंदर वो ये मान के इस बिजनेस को करते हैं कि बहुत कुछ ऊपर वाले के हाथ, बहुत कुछ इस बिजनेस के अंदर अंदर ऊपर वाले के साथ में, चाहे हमारी अपलाइन उसके हाथ में, हमारा चेक हमारी अपलाइन के हाथ में, हमारा चेक कहीं ना कहीं गेस्ट के हाथ में। ये मेंटेलिटी आप में से बहुत सारे लोगों की होती है कि हमारा जो चेक है, हमारी जो इनकम है, हमारा जो क्राइटेरिया है, राइट, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के हाथ में ही है, मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब बस इतना सा होता है कि आपके हाथ में एक्चुअली में बहुत कुछ होता है इस बिजनेस में। अगर मेरे हाथ में नहीं होता तो डेफिनेटली मैं यहां पर खड़ा नहीं, मेरी बात समझ रहे हो, अगर मेरे हाथ में नहीं होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर मेरी प्रॉब्लम मेरे को पता है, आपको कहाँ पता है, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊं कि मेरी प्रॉब्लम मेरे को पता है, आपको कहाँ पता है, सेम वैसे, राइट। आपकी प्रॉब्लम आपको पता है तो सेम मेरी प्रॉब्लम मेरे को पता है, दैट डजंट मैटर। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ काम करके स्टूडेंट लाइफ से यहाँ पे पहुंच पाया तो आप अपनी प्रॉब्लम के साथ डेफिनेटली इस बिजनेस में मेरे से ज्यादा बचा सकते हैं, मेरे से ज्यादा यहाँ पे कमा सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल देखो इस बिजनेस का अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूं अभी तक, यार 100% ईमानदारी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर है, डेफिनेटली फ्यूचर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, राइट। और अगर आप 100% कहने की एक्टिवनेस के साथ अपना बेस्ट देकर के नहीं काम कर रहे हैं, अपने आप से जब आप ये सवाल पूछो और आपको अंदर से आवाज ना आए कि क्या मैं 100% दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि आप नहीं दे रहे। और अगर आप नहीं दे रहे 100% तो फिर ये उम्मीद करना कि इस बिजनेस में चमत्कार होगा वो कहीं नहीं दे सकते। अगर आप 100% दे रहे हैं तो ये मान लेना कि आज की करंट सिचुएशन मेरा फ्यूचर का कंडीशन हो सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, राइट। आई हैव वॉच्ड मोर देन 1000 सक्सेस स्टोरीज ऑफ डायरेक्ट सेल, मैंने कहीं ना कहीं 1000+ सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, सुनी है, उस पर बहुत ज्यादा एनालिसिस भी किया है डायरेक्ट सेलिंग में, और उससे भी ज्यादा मैंने फेलियर स्टोरी अपनी टीम में देखी या फिर अलग जगह। तो जब हम सक्सेस स्टोरी को देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो उसका एक कंक्लूजन निकाल पाते हैं, और जब हम फेलियर स्टोरी को भी देखते हैं तो उसका भी कंक्लूजन निकाल पाते हैं। और सबसे बड़ा कंक्लूजन यही है कि अगर आप अपने एंड से बेस्ट देने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको इस बिजनेस में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला है, राइट। आज आप जिनको देख रहे हैं, जिनको सुन रहे हैं, दैट इज नॉट that is going to happen after 5 years, right? आज शायद मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आज के डेट पे, आज से 2 साल के बाद क्या हो सकता है, आज से 2 साल के बाद आप में से कोई और पर्सन आके यहाँ पे बोल सकता है, right? तो it's not that कि हमने 5 साल पहले स्टार्ट किया और हम
हमने जो है 2017 में इसको स्टार्ट किया, 2018 में कॉलेज के बाद फुल टाइम ले लिया, 2019 में कार ले ली, 2020 में कहीं ना कहीं लॉकडाउन करते अपने काम को डाइवर्सिफाई कर दिया। मतलब यार हर फेज में, हर साल, हर महीने कोई ना कोई चैलेंज मेरे साथ भी रहा है। आई नो माई पार्ट ऑफ स्टोरी, मैं अपने स्टोरी का पार्ट अच्छे से जानता हूं, तो मैं आपको डेफिनेटली कमिटमेंट के साथ बोल सकता हूं कि जो मेरी पार्ट की स्टोरी है ना, उसमें भी पेन रहा है, उसमें भी समस्याएं रही है, उसमें भी चैलेंज रहा है। तो उस पेन के साथ, उस समस्याएं के साथ, उस चैलेंज के साथ अगर मैंने अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत अचीवमेंट लाया, अगर मैंने अपनी लाइफ को बेटर किया और आज के डेट पे अपने वर्क को इंडिया के बहुत सारे रीजन में और इंडिया के बाहर भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, तो वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते, राइट? बट अगर आप बेईमान रहेंगे अपने आप से, अगर आप बेईमानी करेंगे अपने आप से, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल, ये बात समझ रहे हैं? कहते ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है, जीने में बड़े बड़े तूफान उठ जाते हैं जब आग लगी हो, सही है, सही है, अप्लाई होता है, अप्लाई होती है, अप्लाई होती है। आसपास देखा है कहीं, आसपास देखा होगा बहुत सारे लोग, राइट? तो जो किसी पर्सन के साथ हो सकता है वो मेरे साथ भी हो सकता है, राइट? मैं आपको बताऊं कि बिजनेस ऑफ होप, ये बिजनेस टोटली होप पे डिपेंड करता है। अगर इस बिजनेस में कोई नेगेटिव माइंडेड पर्सन ज्वाइन करता है और अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं कर पाता है, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, राइट? एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको हमेशा होपफुल रहना पड़ेगा हर कंडीशन। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इस वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहे क्योंकि थोड़ा सा उनको चैलेंज मिलता है तो होपलेस हो जाते, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम मिलता है तो वो होपलेस हो जाते, उनकी उनका जो माइंडसेट है वो बहुत जल्दी बदलता है, फ्लक्चुएट होता है। और जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर अंदर होपलेस हो जाने वाले कंडीशंस में है, मैं आपको बताऊं कि यार इस बिजनेस के अंदर अंदर भी आकर भी अगर आप अपने लाइफ में होप नहीं देख पा रहे हो, तो इससे दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपके लाइफ में कोई दूसरा होप चला। अब एक ऐसे बिजनेस मॉडल में हो जहां पे आपको पता है कि आने वाले समय में मेरे को दो तीन चार लोग अगर मिल गए तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, इससे बड़ा हो कोई और इंडस्ट्री, कोई और बिजनेस नहीं दे सकता, कहीं पे भी कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी इंडस्ट्री आपको ये होप नहीं दे सकता कि अगर तुमने अपनी तलाश जारी रखी, अगर तू नए नए लोगों से मिलता रहा, अगर तू अपना काम करता रहा, तो तेरे को इवेंचुअली 133 करोड़ आबादी के अंदर अंदर 3-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे सीरियस जो अपने लिए काम करेंगे और तेरे को अमीर बना देंगे। जो पर्सन होपलेस है या होपलेस होकर काम करना है वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होगा, राइट? इस बिजनेस के अंदर अंदर नो मैटर आप किस डेजिग्नेशन पे हैं, नो मैटर आपका कितना समय हुआ, नो मैटर आप किस एज ग्रुप में हैं, बट अगर आप होपलेस होकर के काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट? बहुत सारे लोग जो होपलेस होकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बट वो सेल्स कन्वर्ट नहीं कराता। उसी को अदर टर्म में हम बोलते हैं एक्साइटमेंट, उसी को अदर टर्म में हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस, बट अल्टीमेटली उनके अंदर होप ही नहीं होता, वो होपलेस रहते हैं, राइट? उनसे बात करने के बाद ऐसा फीलिंग आता है कि ये क्या पर्सन क्या है, किस बीमारी से ग्रसित है, होपलेस वाली बीमारी, होपलेस, राइट? तो कभी भी होपलेस होकर इस बिजनेस को ना करें। मैंने पहला जो आपसे बात कराया हुई थी बोला है कि इस बिजनेस के अंदर अंदर 100% हैप्पी रहें, आपके एंड में है उसको बेस्ट तरीके से आप करिए और कभी भी इस बिजनेस को होपलेस होकर मत करें, राइट? आप अगर, मैंने अगर 1000 डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस स्टोरी सुनी है तो उसमें से लगभग सबके एक कॉमन जर्नी रही है जहां पे उसको रिजेक्शंस मिले हैं, प्रॉब्लम्स आई है, चैलेंज आया है और अल्टीमेटली उसने वो टिका रहा, बना रहा और एवेंचुअली वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच। आप किसी को भी जानते होंगे, किसी को भी सुनते होंगे, किसी के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करा होगा तो अगर आप उनके बारे में डीप स्टडी करेंगे तो आप इसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। Am I right? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir.
कहते हैं कि जिंदगी छोटी नहीं होती, अक्सर लोग देर से जीना शुरू करते हैं। जब रास्ते समझ आते हैं तो लौटने का वक्त हो जाता है, जिसमें माय डियर फ्रेंड करो कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आप जैसा। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ को लेकर तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा है जो मैंने अभी बोला, राइट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहा है कि हम सारे लोग के अंदर अंदर जो इंडिया की जनरेशन है, हम सारे जो यूथ है, वो 90% यूथ कहीं ना कहीं अपने लाइफ के 25 साल बिना कुछ एक्सपेरिमेंट किए गवा दे। 90% यूथ अपने लाइफ के इंडिया के अंदर अंदर अपने बहुमूल्य 25 साल बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए गवा देता है, और जब उसको ऊपर को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तब उसको उसके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखने शुरू हो जाता है। बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से किसी ऑप्शन पे काम भी नहीं। बट हम सारे लोग प्रिविलेज, हम सारे लोग प्रिविलेज है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले ही ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है, पर शायद हम लोग सीरियस नहीं क्योंकि हमें जल्दी मिल चुका। आपको जल्दी इसलिए मिला है कि आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, और आप देरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जल्दी नहीं होना, ये जल्दी मिला है, राइट। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके प्लेटफॉर्म अंडर 20 मिला, मेरे को तो नहीं मिला अंडर 20, राइट। कहीं ना कहीं 20 के बाद ही मिला, मतलब मेरे को 20 के बाद ही मिला। आप में से बहुत सारे लोगों जिनको अंडर 20 मिला, तो आप सोच सकते हो कि अगर अंडर 20 प्लेटफॉर्म में आपकी एंट्री हो चुकी है तो 25 साल के अंदर क्या नहीं मचा सकते। मुंह मचाने की बात कर रहा तो क्या नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री से, कर सकते ना। और ओवरऑल ऐसा नहीं है कि मैं ओवरऑल सिर्फ इंडिया के प्लान पे इंडिया के सब कुछ करी करता हूं, मैं डेवलपर्स पे हर चीज पे भी सोच करता हूं और ईमानदारी के साथ, राइट, कसम भगवान की खाकर बोलता हूं कि जो अपना कंसेप्ट है ना, अपना जो बिजनेस प्लान है ना माय डियर फ्रेंड, ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने अभी तक देखा इस बात की हम कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा पीछे रखने लगे, है ना। हर चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं लॉज से गवर्न होते हैं, नियम कानून से चलते हैं, है ना। नेचर का अपना रूल, वैसे डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लान से गवर्न होता है, उस प्लान पे हमें वर्कआउट करना है, इस कंसेप्ट पे हमें वर्कआउट करना है, राइट। अब इस कंसेप्ट पे आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं। इस प्लान पे कितना वर्कआउट कर रहे हैं, ओवरऑल जितना मैं देख पाता हूं, जितना मैं आज के डेट पे करने की इतनी वंडरफुल गुड न्यूज दी, लाइक वी थैंक यू टू आवर मॉडरेटर दी कि हम कहने के ई शिक्षा के माध्यम से अब 3 बोनस इनकम भी अर्न कर, डायरेक्ट 30% के कहने नहीं है, पार्टनरशिप बन सकते, जो प्रिविलेज डिटेल्स में डायमंड एवर को मिल रहा था वो प्रिविलेज ई शिक्षा में कहीं ना कहीं हर एक नए एसोसिएट को भी मिल रहा है। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, अदर स्पॉन्सर्स पे अपने क्रेडिट कैसे दिए बस समझ में। तो अब इन सारी चीजों को लेकर के अगर डेली बेसिस पे काम कर रहा, मतलब अगर आप सोचो कि देयर इज एन अपडेशन एंड अपग्रेडेशन, राइट, वो हर लेवल पे हम सारे लोगों के लिए किया गया, बट उस अपडेशन या अपग्रेडेशन का कितना परसेंट प्रॉफिट मेरे खाते में आता है वो डिपेंड कंपनी का प्लान नहीं करता है, वो अपने प्लान डिपेंड करता है। हमारा जो प्लान है वो डिपेंड करता है, व्हाट आई एम प्लानिंग, कंपनी ने प्लान दे दिया आपको, अब आप क्या प्लान कर रहे हैं ये मैटर करता है। अब आप क्या सोच रहे हैं, अभी मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अभी मेरे को बस करते रहना है, राइट, तो ठीक है, ये भी काम वैसे करे करे से पहले करना,
और अगर आपके अंदर अब थोड़ा सा है ना एक फास्ट ग्रोथ की अंदर से एक कहीं ना कहीं पैशन डेवलप होता है तो ये जो कंसेप्ट है वो आपके पास जो मनी का सर्कुलेशन है मनी का जो कहने के नहीं जो पैसा आपके पास फ्लो है वो बहुत तेजी से बढ़ा सकता है मतलब आपकी हिस्सेदारी बढ़ गई जोरदार ताली बजाइए राइट सो आगे करते हैं कि अगर हमने प्लान बना ली अगर हमने प्लान बना लिया हमने अगर प्लान बना लिया कि इस नए कंसेप्ट को अपनी लाइफ में हम लेके आएंगे नया चेंज लेके आएंगे तो ऐसा क्या करेंगे जिसके यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो पहले से ज्यादा इनहेंस होगा पहले से ज्यादा हम मीटिंग कर पाएंगे पहले से ज्यादा हम इंटरेक्शन कर पाएंगे पहले से ज्यादा कहीं ना कहीं हम सेल्स निकाल पाएंगे ऐसा क्या काम करने वाले पहले से ज्यादा हमारे पास चेक आएगा इसके लिए क्या करने वाले क्या करने वाले हैं इंटरेक्शन करने वाले चलो अच्छा आप में से कितने ऐसे कितने लोग हैं जो सेल्स कन्वर्ट कराना चाहते हैं अचीवर्स क्लब कॉन्फ्रेंस में ये सवाल गलत है ना तो ये पूछा जा रहा है अब कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं सर आप उसे डूब मरो यार इस सवाल के सबके हाथ ऊपर उठने चाहिए ना मतलब कहने की आप सारे लोग कहने की सेल्स कन्वर्ट कराना जानते हो ना सो उस लोग के हाथ उठे तो नहीं होते क्यों सर बिकॉज वी हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम तो इसका मतलब क्या है मतलब ये है कि अगर आप सारे लोग अपना हाथ नहीं उठा रहे तो कहने की एटीट्यूड प्रॉब्लम और बिजनेस के अंदर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बोलते एटीट्यूड प्रॉब्लम इस बिजनेस के अंदर जो आपके मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती है ना इस बिजनेस में वो एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से एटीट्यूड का मतलब क्या होता है हाउ वी रिएक्ट टू द थिंग्स दैट वी फेस जो भी चीजें हम फेस करते हैं उस पर अपना रिएक्शन कैसे देते हैं कुछ लोगों के पास ऐसा एटीट्यूड होता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल वाले एटीट्यूड वाले होते हैं कुछ भी होता है तो कैसे रिएक्ट करते हैं कुछ लोग बिना किसी को समझे एक निगेटिव में रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग किसी भी चीज को समझ करके पॉजिटिव रिएक्शंस मेरी बात समझ रहे देखो इस बिजनेस के अंदर अंदर अगर हम चाहते हैं कि हम बड़े लेवल पे जाएं हमारा सेल्स कन्वर्जन रेशियो बढ़े हमारी जो सेल्स निकालने की क्षमता है वो बढ़े तो सबसे ज्यादा आप लोगों को हम लोगों को अपने एटीट्यूड पे काम करने की जरूरत सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड आपके एटीट्यूड पे डिपेंड हमारे इंटरेक्शंस के बाद जो रिजल्ट कन्वर्ट होने वाले हैं वो भी हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है राइट हमारी मीटिंग के बाद नेक्स्ट मीटिंग जो शेड्यूल होने वाली है वो भी हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है हमारे नेक्स्ट मीटिंग के बाद हम गिव अप करने वाले हैं या फिर से रीफॉलो अप करने वाले हैं वो हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है वो ये बोलता है कि सर भाई मेरे पास पैसे की दिक्कत है मेरे पास पैसे की दिक्कत है और आप ये मान लेते हैं कि उसके उसके पास पैसे की दिक्कत है ये आपकी एटीट्यूड कोई गेस्ट बोलता है कि मेरे पास समय की दिक्कत है और आप ये मान लेते हो उसके पास समय की दिक्कत है ये मान लेना कि हार मान लेना है राइट सो जब भी हम इस बिजनेस को ना से हाँ कराने के प्रोसेस में आते हैं ना से हाँ आपको 10 में से कहीं ना कहीं 5 से 6 गेस्ट ऐसे मिलेंगे जिनको आपको ना से हाँ कराना पड़ेगा और ना से हाँ कराने वाले प्रोसेस में आपको अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा राइट फ्रॉम बिगिनिंग कहीं ना कहीं मैंने इस बिजनेस को जब शुरुआती दिनों में करा तो मेरे आसपास का जो एनवायरमेंट था हमारे अपलायंस का उसके माध्यम से मेरे को समझ में आया कि मेरे अंदर एक क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए जो मेरे को डेवलप करना है सबसे कम टाइम में वो एक बेस्ट एटीट्यूड वाला पर्सन बनना एक अच्छा एटीट्यूड वाला पर्सन अगर मेरे पास एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है देखने से कोई मेरे को नाप ले तुम्हारी लंबाई गहराई ऊंचाई चौड़ाई क्या है आई डोंट अंडरस्टैंड की बात है विवाह समझ रहे हो
अगर आपको कोई देख के ये पता कर ले कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, आपके पास अगर आपको कोई देख के पता कर ले कि आपकी लास्ट महीने की इनकम क्या है, तो आपके पास एटीट्यूड जरूर। अगर आपके मीटिंग के बाद राइट ये कोई जज कर ले कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आपके पास एटीट्यूड जरूर। आप 10 लोगों से मिलते हो पैसा नहीं निकलता है, तो बता दे रहा हूं तेरे पास एटीट्यूड जरूर। फैक्ट मतलब क्या, मतलब ये मैंने अपने आप पे सोचा, मैं आपको नहीं बोल रहा बुरा मान, ये मैंने अपने आप को 2017 में ऑब्जर्व करा कि जब मेरी मीटिंग्स के बाद सेल्स नहीं निकल रहा था और मैं अपलाइन को गोल गोल घुमा रहा था, तो मेरे को समझ में आ गया था कि मेरी प्रॉब्लम है वो है मेरे अंदर वो एटीट्यूड नहीं है, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि किस बिजनेस में सर्वाइव कर। और ऐसा ही चलता रहा तो इस बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर, ये मेरे को राइट। जब मैं नए लोगों से मिलने से डर रहा था, बात करने से डर रहा था, तो मेरे को समझ में आया कि वही में बहुत सारे लोग अगर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड पॉजिटिव में मैं कुछ चीजों को देख लेते हैं और पहले ही प्री जज कर लेता हूं कि वो नहीं सुनेगा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसके पास पैसा ज्यादा है तो नहीं करेगा, वो गरीब है तो नहीं करेगा, वो मोटा है तो नहीं करेगा, वो छोटा है तो नहीं करेगा, वो पतला है तो नहीं करेगा। पहले से प्रीजज करके बैठ जाना कि सबसे बड़ी क्या है, एक बैड एटीट्यूड की निशानी है। और जब भी कोई काम हम करते हैं, चाहे हम इनविटेशंस करते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, फॉलो करते हैं, और वहां पे कोई भी रिजेक्शन मिलता है, कोई भी ऑब्जेक्शन मिलता है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह होती है कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता है हमारे अंदर एक चीज पता नहीं कहां से आ जाता है फ्री में, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता है तो एक चीज फ्री में आ जाता है, डर जाता है, डर आता है। आप किसी गेस्ट के सामने गए, उसने कुछ भी पूछा तो क्या फील, क्या फीलिंग आती है, डर। इसका सवाल का जवाब देना है, क्या है, डर। राइट, तो देखो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड प्रॉब्लम में क्या होता है, दूसरी एटीट्यूड प्रॉब्लम में आपका डर सबसे बड़ा आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम। प्री जजमेंट, अगर आप प्री जजमेंट करते हैं हर चीज को लेकर के, तो मैटरमेंट आपके लिए एटीट्यूड प्रॉब्लम। और अगर आप डरते हैं ऑब्जेक्शन से, अगर आप डरते हैं उसको जवाब देने में, अगर आप डरते हैं उसको कमिटमेंट देने में, बाई टू स्टार्ट करे ना, करेगा ना, दोनों मिलकर के आगे बढ़िया मचाएंगे, मतलब दोनों मचाएंगे राइट, मतलब अच्छा बिजनेस करेंगे, तो ये कह पाना बहुत लोग नहीं कहा। अपने अंदर से डर को खत्म करना, हम डरते रहते, अपने से कोई बड़ा इंसान मिल गया 2 साल बड़ा तो हमारे अंदर डर आया, छोटा मिल जाएगा तो भी डर आया, राइट, अच्छे पर्सनालिटी का मिल गया तो भी डर आ जाएगा, उसने बोला मेरे भैया से बात करा दो तब तो और डर आ जाएगा, मेरे घर पे आकर के बात कर लो तब तो बोलेंगे नहीं नहीं जो करना है। मतलब हमारे अंदर एक डर आता है हर ऑब्जेक्शन से, और उस डर को हम अपने आप पे हावी होने देते हैं। मतलब जो इस बिजनेस में एटीट्यूड होना चाहिए वो नहीं, और सेल्स निकालने के लिए सबसे खतरनाक जो टेक्निक है वो ये है, बी शुड वर्क ऑन आवर एटीट्यूड। अगर हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं है तो हम हमारी जो सेल्स की जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस है ना, वो हमेशा बिलो एवरेज रहते हैं। हम हर महीने जो सेल्स कैलकुलेट करेंगे अपने पर्सनल बिहाफ पे कि सर मेरा कितना इंटरेक्शन होगा, मेरी कितनी प्रेजेंटेशन होगी, मेरी कितनी सेल्स आएगी, तो कभी भी अबव एवरेज नहीं रहेगा, हम हमेशा बिलो परफॉर्मिंग रहेंगे, हमेशा कितना भी प्लान अच्छा हो जाए, कितनी भी सर्विस अच्छा हो जाए,
जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के पॉजिटिव हो जाए, फिर बता रहा हूं लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पॉजिटिव हो जाए लेकिन आप नहीं बचा पाओगे, कोई और बचा लेगा, मतलब कोई और ज्वाइन कर पाएगा, कोई और आगे बढ़ जाएगा, कोई और आपसे पहले उसी वेन्यू पे अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में कोई आपसे पहले बड़े बड़े बच्चा जो है बिजनेस खड़ा कर लेगा, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा कोई और कर जाएगा, आप नहीं करोगे कोई और कर जाएगा, इसी प्रिंसिपल पे बिजनेस काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे बिजनेस काम करता है, मैं नहीं करूंगा कोई और कर जाएगा, आप नहीं करोगे कोई और कर जाएगा। जब भी मैंने सोचा कि अब डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ कम हो गई तो मेरे को एग्जाम्पल दिखा, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब भी मैंने सोचा लॉकडाउन के अंदर ग्रोथ कम हो गई है मेरे को एग्जाम्पल दिखा, अरे मेरे से छोटा था कमरे से ज्यादा कमा रहा है तो मेरे भी कितना मजा पड़ता है, मेरे भी कितना मजा पड़ता है हर महीने, राइट? मतलब मेरे को भी रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में मैं क्या लैग कर रहा हूं, आई ट्राई टू डू, और कहीं ना कहीं आप सारे लोगों के कहीं ना कहीं उस पर भी लेना जरूरी है, पड़ता नहीं है लेते हैं, राइट? तो कहने की जब आप इस बात को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आप ये सोचते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है तो वहां पे एक ही कंडीशन बनती है, आपका नहीं चल रहा है, बाकी लोग मजा रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी है, मेरे को बहुत जल्दी समझ में आती है, मेरे को हर साल ये बात समझ में आती है, हर महीने समझ में आती है कि अगर मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है तो इट्स ओनली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आपको अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना है इट्स ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड को सेट करना, पहली एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या होती है प्रीजजमेंट, दूसरा एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या होता है डर, और तीसरा जो सबसे खतरनाक एटीट्यूड प्रॉब्लम है इस बिजनेस में वो ये है कि हमारे अंदर लर्निंग एटीट्यूड का ना, ये सबसे तीसरे सबसे खतरनाक एटीट्यूड, मतलब हम सीखना नहीं चाहते। अब ये एटीट्यूड प्रॉब्लम ना इसके अनलिमिटेड लेग्स हैं, कितने लेग्स हैं? अनलिमिटेड, दो लेग नहीं है इसके, इस एटीट्यूड प्रॉब्लम के बहुत सारे लेग्स हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि लर्निंग एटीट्यूड जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से हमारे सामने आता है, कोई खुद से नहीं सीखना चाहता पहला लेग, कोई अपलाइन से नहीं सीखना चाहता दूसरा लेग, कोई गेस्ट से नहीं सीखना चाहता तीसरा लेग, इसी करके 50 लेग है। मतलब ऐसा नहीं है सर मैं अपलाइन की बात सुनता हूं, मतलब क्या है मेरी लर्निंग एटीट्यूड सही है, मैं अपलाइन की बात सीखता हूँ सुनता हूँ, लेकिन मैं गेस्ट से सीखता हूँ बहुत बार अपलाइन से ज्यादा आपको आपकी गेस्ट सिखा देता है, आपको गेस्ट सिखा देता है बहुत ज्यादा, अपलाइन से ज्यादा वो सिखा देता है, हम गेस्ट से नहीं सीखने के लिए तैयार, अपलाइन से नहीं सीखने के लिए तैयार है, खुद से नहीं सीखने के लिए तैयार, राइट? तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे कहीं ना कहीं हमारे पास लर्निंग एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है, ये सबसे खतरनाक एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना। पढ़ लो, पढ़े हैं मेरी बातें? यस सर। जा रहा है मेरे में? यस सर। जा रहा हो? यस सर। और ये आज से नहीं पिछले 4-5 साल से ऑब्जर्व किया,
मतलब देखो अगर मेरे अंदर या मेरे टीम के अंदर लर्निंग एटीट्यूड की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें सबसे पहले मेरे को खुद पर ज्ञान जहां से मिले बटोर लीजिए, पहले कटोर लीजिए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और इस बिजनेस के अंदर अंदर हमें अपने लर्निंग एटीट्यूड को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। ऐसे करके बहुत सारी एटीट्यूड प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, और ये सारी एटीट्यूड प्रॉब्लम इज आवर वीकनेस। ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में हमारी कमजोरी है। व्हाई पीपल इन दिस, व्हाई पीपल डू नॉट सर्वाइव इन दिस बिजनेस, दैट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ देयर वीकनेस, कमजोरी, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, पता नहीं कितनी कितनी कमजोरियां होती है, उसके अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, होते ही होते हैं, राइट। तो इस बिजनेस के अंदर अंदर सबसे बड़ी कमजोरी क्या है हमारी, वो ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने एटीट्यूड को इस बिजनेस में डेवलप नहीं कर पाते। हम बात करते हैं कि हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करता है, और इस बिजनेस में सबसे बड़ी पर्सनल डेवलपमेंट आपकी ये है कि आप अपने एटीट्यूड को डे बाय डे कैसे इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, सही रख रहे हैं, सही बना रहे हैं। तो ओवरऑल जब भी आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही है इस बिजनेस के अंदर, सेल से जुड़ा हुआ, सेल से रिलेटेड, मतलब आप इंटरेक्शंस करते हो फिर भी सेल्स नहीं आता, या आपका इंटरेक्शन स्लो है, उसमें बहुत बड़ा कारण एटीट्यूड का होता है, राइट। मैं आपको बताऊं कि इनिशियल फेज में जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था तो मेरा एक एटीट्यूड होता, राइट, और वो कहेंगे मैंने अपने अप्लाइंस को देख करके सीखा, राइट। जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उस समय मैं संजय सर को देखता था, और जो सर उस लेवल पे थे वो डेली बेसिस पे इतने इंटरेक्शंस करते थे जिससे मैं बहुत इंस्पायर हो गया, और मेरे को पता था कि पर्सन इस इतने बड़े लेवल पे होने के बाद इतनी इंटरेक्शंस क्यों करते हैं। तो मेरे को समझ में आया कि इतनी इंटरेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि सर हमेशा मेरे को एक बात बोलते थे, मेरा बिजनेस मैं चला था, मेरा बिजनेस मैं चलाता हूं, तो मेरे को पता है मेरी बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसकी फुलफिलमेंट करने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और ये बात मेरे को समझ में आ गई। और उसके बाद में कहने के लिए मैं सोचा था बहुत तेजी से ग्रो कर पाया, मतलब मेरे को ये समझ में आ गया था कि मेरा बिजनेस मैं चलाता हूं, उसमें जो नेसेसरी चीजों की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले ना मेरी अपलाइन का होने वाला है, ना मेरी डाउनलाइन का होने वाला है, सबसे बड़ा रोल प्ले मेरा होने वाला है। और इस बिजनेस में चौथी जो एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है वो है आपकी डिपेंडेंसी, आदर यू आर डिपेंडेंट ऑन योर अपलाइन और आदर यू आर डिपेंडेंट ऑन योर डाउनलाइन, ये भी एक एटीट्यूड प्रॉब्लम, डिपेंडेंट राइट। तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस बस इस वजह से चल रहा है क्योंकि अपलाइन लगी हुई है या डाउनलाइन काम कर रही है और वो मजा नहीं रहे, क्योंकि वो इस बिजनेस में डिपेंडेंट है, या तो अप्लाई किया तो डाउन, बहुत सारे लोग ये भी कहने के लिए एटीट्यूड प्रॉब्लम, देयर आर मेनी एटीट्यूड प्रॉब्लम, मतलब इस बिजनेस के अंदर अंदर बहुत सारे कुछ नहीं है, बस एक एटीट्यूड प्रॉब्लम, मेरा चेक नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, अप्लाई के सामने से बोलते सर मेरा नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, क्या करना है, मेरा सबसे ज्यादा बन रहा है और मेरा ही बन रहा रहेगा, मतलब ओवरऑल देखो इस बिजनेस के अंदर छोटी छोटी चीजों को आप देखेंगे तो हर लेवल पे पता है क्या होता है, हमारे इस बिजनेस में ग्रो करने में सबसे बड़ा रोल प्ले हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और बिजनेस में गिरने के लिए भी सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। और अगर हम लाइफ में किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी देखते हैं, आइदर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री और आइदर फ्रॉम एनी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी पर्सन को जो आप सक्सेसफुल देखते होंगे, उनकी एक चीज आप बहुत इंस्पायरिंग लगती होगी, उनका एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी, एटीट्यूड, राइट। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा, एटीट्यूड, राइट। फॉर एग्जाम्पल अडानी, एटीट्यूड, कर्ज लेगा लेकिन राष्ट्रपति बनेगा, राइट। उनके ही इज नॉट द फोर्थ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। जितना उनके पास प्रॉपर्टी उसका कर्ज है, तो रिस्क है, रिस्क है, फॉर्मूला अप्लाई, ताली बजाइए उनके लिए। आप लिए बजाइए, हम क्या बोलेंगे,
रिस्क है तो रिस्क नहीं है राइट होता है नहीं होता है पांच में एटीट्यूड प्रॉब्लम वही अपनी एटीट्यूड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं गिव अप एटीट्यूड नॉट केयरिंग एटीट्यूड केयर नहीं करते जो मिल गया उसकी केयर नहीं करते राइट फ्यूचर को लेकर के ऐसे ही है ना प्रोक्रास्टिनेशन वाला एटीट्यूड टाल देना कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे वो कल कभी आता नहीं कल करेंगे कल करेंगे वो कल कभी आता नहीं ये कौन सा एटीट्यूड है प्रोक्रास्टिनेशन टाल देना तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज अगर मैं यहां पे आया और मैंने इस एनवायरमेंट को देखा कि अगर मेरी लाइफ दो दिन के लिए ऐसा हो सकता है तो पॉजिटिव मैं ये लेके जा सकता हूं कि आने वाले 6 महीने के बाद हर महीने हमारी लाइफ 2 से 3 दिन की ऐसी हो सकती है और 6 साल के बाद हमारी हर दिन की लाइफ कुछ ऐसी मिलती जुलती हो सकती है ये जानने की जरूरत है मैं जैसे बोला कि हम यहां पर मीटिंग के लिए क्यों बुलाया तो ये यहां पे आपको ले जाने की जरूरत है और ये परमानेंट रखने की जरूरत है आप इसको टेंपरेरी बेसिस पे ले जाएंगे रखेंगे 2 दिन खुशी मनाएंगे फिर भूल जाएंगे तो फिर आपके पास कोई और नहीं आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक परमानेंट चीज को कहीं ना कहीं अपने माइंड में टेंपरेरी स्थान देकर उसको डिलीट मार दें लाइफ में बहुत सारी चीजें ना टेंपरेरी होती है और उसको हम परमानेंट रखे होते हैं इकट्ठा कर बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में टेम्पररी होती है उसको हम परमानेंट इकट्ठा करके रखे होते हैं बचपन से लेकर के अभी तक सारे लव लेटर्स इकट्ठा करके रखे होते हैं चीजों को परमानेंट किए होते मैसेजेस चैट जो भी है ओवरऑल एक एग्जांपल दे रहा हूं मतलब जो टेम्पररी चीजें हैं हम उसको अपने माइंड में परमानेंट स्थान दिए हुए हैं भगवान से भी ऊपर उन चीजों को रखे हुए हैं जो हमारे लाइफ में टेम्पररी और जो हमारे लाइफ में परमानेंट हो सकता है हमने उसको टेम्पररी मार के रखा हुआ है सबसे बड़ी दिक्कत ये जो एनवायरमेंट है क्या हमारे लाइफ में आज से 4 साल 5 साल अगर मेहनत किया जाए तो क्या ऐसा परमानेंट हो सकता है हो सकता है यस सर बोल नहीं रहे हो भाई यस सर ये भी एटीट्यूड तो और आप सोचते कि ये परमानेंट हो सकता है और कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको यहाँ से ना इसको माइंड में परमानेंट बिठा के जाएंगे ऐसा लाइफस्टाइल ऐसी जिंदगी ऐसा एनवायरमेंट चाहिए हर दिन चाहिए चाहे आज से 5 साल तक भी मेहनत करवा लो लेकिन ऐसा एक दिन आएगा जहां पे 5 साल 6 साल के बाद ऐसी लाइफस्टाइल मेरे को लगभग लगभग इस टाइप की सिमिलर लाइफस्टाइल मेरे को परमानेंटली मिलेगी ये लेके जाने कुछ लोग हमेशा ऐसी चीजें लेके जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में हर और वही लोग आने वाले समय में उस ग्रुप को लीड करते हैं उस ग्रुप को बहुत आगे तक लेके जाते हैं और उसी ग्रुप के रियल में लीडर बनता है बाकी कितने फॉलोअर बन जाते कुछ लोगों में से आप हैं कि नहीं है इसका चुनाव आपको स्वतंत्र खुद से करना पड़ेगा वो कुछ लोग जो यहाँ से अपने लाइफस्टाइल को 4-5-6 साल के अंदर अंदर कुछ ऐसी लाइफस्टाइल को हमेशा करने वाले हैं उसमें से मैं हूं कि नहीं हूं उसका चुनाव आपको स्वतंत्र खुद से करना पड़ेगा और अगर आप उसको परमानेंट बेसिस पर ये डिसाइड करके जाने वाले हो कि मैं यहां पे इसको हमेशा के लिए करूंगा आई हैव टू पे द प्राइस व्हेन देयर इज नो पे देयर इज नो गेन राइट उस बारे के लिए कुछ होना पड़ता है पड़ता था बढ़ेगा आगे 1 साल 2 साल 3 साल आगे बट हाँ आने वाले
कुछ सालों के अंदर अंदर ये सारी चीजें लगभग लगभग परमानेंट होने वाली है मेरे लाइफ में और मेरे बीच लिए। देखो लाइफ में अगर आप पास्ट को देखते हैं, राइट, अगर आप किसी भी पर्सन को देखते हैं तो एक कॉमन सी चीज सब में रही है जो कामयाब हुए हैं कि वो सारे लोग बहुत जल्दी रहते हैं। कामयाब होने वाले लोग कैसे रहे हैं? जल्दी देखते हैं, राइट। थॉमस अल्वा एडिसन को देख लो, जिद्दी रहा है। रतन टाटा को देख लो, जिद्दी रहा, शादी नहीं करेंगे। राइट, कल उनका स्टेटमेंट देखा, उन्होंने बोला कि 6 बार मैं बिल्कुल शादी के नजदीक पहुंच गया था, लगभग लगभग बनने में करने वाला था, बट मैंने डिसाइड किया लास्ट में खुद से कि मेरे को शादी नहीं करनी। और अगर उन्होंने शादी, आपको पता है रतन टाटा डोनेट्स 99% आपको से कितने ऐसे लोग जिद्दी हैं? वही गर्लफ्रेंड चाहिए, सर यहाँ तो खर्चा निकालेंगे बाकी तो सरकारी नौकरी मिली। ये जितपाल अग्नि बिल बनेगा 4 साल के लिए लेकिन इन्वेयर बिल नहीं बनेगा। अब आप सोचो कि औरत अगर मेरे को थोड़ी समझ है, मैं व्यस्त तो हूं नहीं, मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया लक बाय चांस, किसी की कृपा हुई, एंट्री हो गई, आ गया, सब कुछ देख लिया, एनवायरमेंट मिल रहा है, प्लान मिल रहा है, अपलाइन का सपोर्ट मिल रहा है, अब भी अगर जिद, अब भी पहले की बात नहीं, गेस्ट नहीं होगा, अब भी अगर हमारी जिद अग्नि भी योजना पे है तो हमारी लाइफ कोई योजना नहीं। मतलब ठीक है, मैं गेस्ट था, मेरे को नहीं पता था, मैं पापा जो बोलते थे मानता था। अब जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया, लीगल तरीके से मेरी एंट्री हो गई, 18+ ईयर की एज है, लेकिन अभी भी मैं ये जिद करके नहीं बैठा हूं, मेरे अंदर आग नहीं लगती है, इंजेक्शन दिया जाता है 24 घंटे का, जिद आग नहीं लगती, इंजेक्शन वाली आग है। मीटिंग से पहले सर बोले थे 4-5 लोग नहीं आए, हमने बोला इंजेक्शन दिए क्या, बोले आज रात को देंगे, कल आए आज राइट। मतलब ऐसे लोग जिनको इंजेक्शन से आग मिल रहा है आज के डेट में, तो आप बताओ कि इंजेक्शन किसी अपलाइन से लेने की जरूरत है? जिद पाल लो, इंजेक्शन आपको रोज मिलता है, जिद पाल। किसी भी काम को करने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए होता है, किसी भी काम को करने के लिए, और जितना बड़ा जिद पाल लोगे उतना बड़ा मोटिवेशन। मैं सुना था किसी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विदेश का कोई लड़का था, उसने बोला हम हेलीकॉप्टर लेंगे तभी क्या, उसने जिद पाली थी, मेड इट, उसने कर दिखाया, उसकी जिद बनी थी तो उसकी सक्सेस भी बनी थी। लाइफ में ना हमें जिद करने की जरूरत, हमारी जिद पता है क्या है, महीने के 1-2-3 हजार का खर्चा, हमारी जिद दिन के 1-2 गेस्ट इंटरेक्शंस में खत्म हो जाता है। आज जिद पाल के रखा था जो मिलेंगे लोगों से पूरा दिन एक्टिव रहे, आज मैंने जिद पाल के रखा था पूरा दिन एक्टिव रहूंगा, सर 2 गेस्ट मीटिंग हुई, दोनों लोगों ने 4 सवाल पूछे और मेरे को खुद से 40 डाउट पैदा। और ऐसा नहीं है कि जिद आपकी है, ये मेरी थी,
मैंने ये चीज छोड़ करके दूसरी वाली पा ली। मेरी बात समझ रहे हो? लाइफ में हर एक इंसान कुछ ना कुछ पाल के बैठा होता है, राइट? कोई सही चीज पाल के बैठा होता है, कोई गलत चीज पाल के बैठा होता है, कोई एटीट्यूड को पाल के बैठा होता है, कोई ईगो को पाल के बैठा होता है, कोई कभी भी ना सुधरने की कसम खा के बैठा होता है, और कोई सक्सेस पाने की कसम अगर बैठा होता है। हर कोई इंसान यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करके बैठा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में कुछ है नहीं, सब कोई कुछ ना कुछ करके बैठे हुए हैं। अरे इंसान के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें, राइट? अब हमारे अंदर क्या है, पॉजिटिव वाली चीजें हावी हो रही है तो हमारे रिजल्ट आते हैं, और निगेटिव वाली चीजें हावी हो रही होती है ना तो हमारे एक्सक्यूज आते हैं। देखो यार, गिर का मतलब है एक पीछे ना, एक बहुत आपसे 2 साल पहले एक चीज ट्रेंड थी, सख्त लड़का बता ना, सख्त लौंडा लड़का या लड़की बनना पड़ेगा, पिघलने का नहीं, पिघलने का नहीं। तो अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो सख्त बनना पड़ेगा। यस को यस बोलना पड़ेगा, नो को नो बोलना पड़ेगा। यस नो ना की कोई चीज नहीं, हाँ भी ना भी। मीटिंग में जाएंगे भी नहीं, प्लान करेंगे भी नहीं, किताब पढ़ेंगे भी नहीं, फॉलो अप लेंगे भी नहीं, पैसा आएगा भी नहीं। जिद पालनी पड़ेगी सर, पैसा आएगा हम निकलवाएंगे, उसका लोन कर पाएंगे। कुछ नहीं है उसके पास, बहुत सारे अंग है, इसलिए लोन कर पाएगा। होता है, हमने सुना है किसने अपने आंखों पे, कान पे, दांत पे, किडनी पे टमाटर का इंजॉय किया है लोन, मैंने सुना है। आपको मजाक लग रहा है मेरे पास इसके तक। तो यार देखो, अगर कोई भी गेस्ट है, पैसा नहीं है, पगड़ी बेच के, हाथी बेच के, घोड़ा बेच के, खेत बेच के, जमीन बेच के, जाकर बेच करके लोग ज्वाइन करते हैं, कर रहे हैं, हम नहीं करवा रहे, बिकॉज वी आर इन्वेयर, वी आर, वी बिलोंग्स टू हाई क्लास इन्वेयर, वी बिलोंग्स टू हाई क्लास नेटवर्क मार्केटर। हमारा क्लास हाई है, हम लो क्लास लोगों के काम नहीं करेंगे, हम लो क्लास बातें नहीं करेंगे, हम लो क्लास सेल्स नहीं निकालेंगे। हम उसको कैसे बोल दे तुम झूठ बोल के पैसा खोगे, हम अपने गेस्ट को कैसे बोल दे तुम कुछ लेन देन आदान प्रदान करके पैसा ले, कहीं से करो, हम उसके पीछे पड़े। हमने इतना मचा डाला है कि हम किसी के पीछे पड़ने वाले पड़ेंगे तो सिर्फ लड़की क्यों लड़ता है। मतलब हमें अगर गेस्ट के पीछे पड़ना है, अपने ड्रीम्स के पीछे पड़ना है, हम वहां पे नहीं पड़ेंगे। उसको 3 बार फॉलो किया सर, उसने बोला उसके पास पैसा नहीं है, मैं विश्वास कर चुका हूं सर वो गरीब है। और की बात वो 3 बार मना कर चुके, मेरे को विश्वास है 4-6 बार। तो आप एक बात समझो, इस बिजनेस के अंदर अंदर अगर हमें कामयाब होना है, हमें क्या करना पड़ेगा? एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। अगर इन्हें के अंदर अंदर आपको ग्रोथ चाहिए,
एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। आप किससे मिल रहे हो, उसकी क्या एज है, उसका क्या एज ग्रुप है, इसके क्या क्या विधायक है, क्या करता है, बहुत पैसा है, अच्छा गुड एटीट्यूड, पैसा है उसके पास, अब उस लोग कैसे मिलेंगे, वो जितने भी लोग सेल्स निकालते हैं ना उनके अंदर मैं देखता हूँ कुछ हो ना हो लेकिन अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ डील कर रहे हैं तो कितने भी छोड़ो तो बात करते हैं तुम्हें अपने लेवल पे ले आएंगे, हम नीचे देख करके बात नहीं कर सकते, हम ऊपर बात ही नहीं कर सकते, बात नहीं सकते, हम गांव में काम नहीं कर सकते, 700 तो करो साहब बोले गाँव में लोग दूर होना पड़ेगा, मोटिवेशन के साथ काम करना पड़ेगा, राइट। आपको ये कहना चाह रहा था वी आर फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और वी आर फर्स्ट अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी That works on the model of hybrid. हमारा जो मॉडल है किसका है? हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड का मतलब होता है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है, सेल्फ प्लस टीम दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये कौन सा मॉडल है अपना? मतलब कि हमें अगर बिजनेस पे ग्रो करना है टेक्निकल टर्म्स में, आवाज नहीं आ रही, हाइब्रिड मेथोडोलॉजीज पे काम करना है, मतलब हमारा जो काम करने का तरीका होना चाहिए वो हाइब्रिड मॉडल पे आधारित होना चाहिए। मतलब हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा करके ही काम करना चाहिए। यदि वांट ए बेटर ग्रोथ, यदि वांट फास्ट ग्रोथ, तो कहीं ना कहीं हमें एक ऑनलाइन और ऑफलाइन चीजों को साथ में लेकर के काम करने की ट्रेनिंग, साथ में लेकर के काम करने की प्लानिंग और साथ में लेकर के काम करने की पूरी की पूरी जो है ट्रेनिंग डेवलप करने की जरूरत। जी कुछ ट्रेनिंग को लेकर के मैं आपको अवेयर करना चाहता था, बताना चाहता था कि देखो मान तो चलो जितने भी लोग हमारे पास ज्वाइन होते हैं, जितने भी लोग हमारे पास ज्वाइन होते हैं, मैंने शुरू किया था, टिक जाते हैं तो बन जाते हैं, नहीं टिकते हैं उसके पीछे दो कारण होता है, पहला माहौल, दूसरा एनवायरमेंट। किसी भी पर्सन को माहौल देना तुरंत पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ट्रेनिंग देना ये हमारे हाथ में होता है। कोई पर्सन एनवायरमेंट में तब आता है जब उसका चेक लगता है, जब उसकी इनकम होती है, जब उसकी एक दो डाउनलाइन मिलती है, जब वो किसी बड़ी अपलाइन से मीटअप करता है या बड़ा इवेंट देता है। बट माहौल हर एक पर्सन को ईमेल के अंदर अंदर कुछ समय के अंदर अंदर मिल जाता है, बट तुरंत हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। कोई पर्सन जब हमारी टीम में ज्वाइन करे तो हमारी जो ट्रेनिंग मॉडल है उस पर हमें काम करना है अपडेटेड वे में, और उसको लेकर के कुछ चीजें हम लोगों ने डिजाइन करी है कि हम अब हर एक पर्सन को ज्वाइनिंग कराने के बाद एक ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, एक ही ट्रेनिंग, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मोदी जी का नारा है उसको हम इनके में फॉलो करेंगे, और एक ही ट्रेनिंग हर जगह देने का हम लोग पूरा सिस्टम डिजाइन करके अभी काम करना शुरू करेंगे। एक नई तरीके की ट्रेनिंग का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, दैट इज 5-step ट्रेनिंग, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, राइट। आपको अपने एसोसिएट को उसी ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत ट्रेनिंग देनी है, राइट, उसी को सिखाना है, उसी को याद कराना है, उसी के प्रिस्क्राइब्ड बुक्स को पढ़वाना है, उसी के अकॉर्डिंग
डायरी मेंटेन करवाना है उसी के अकॉर्डिंग उसको मीटिंग शेड्यूल करवानी है, तो एक 5 स्टेप की टोटल जो है ट्रेनिंग आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो फिर आपको इनमें रिटेल्स और इनमें ई शिक्षा के काम को साथ में पैरेलल दोनों बिजनेस को ग्रो करने में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बहुत आसानी से ग्रो कर पाएंगे। ठीक, तो ये ट्रेनिंग पर्पस से एक इन्फॉर्मेशन में देना चाह रहा था आपको। दूसरी, उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें हैं जिसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, उसके बिहाफ पे हम ऑनलाइन सेल्स को कैसे ज्यादा निकाल सके या उसके बिहाफ पे हम लोगों को ज्यादा टिका कैसे सके, उसकी पूरी की पूरी जो है उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस है। और जो लोगों के ऑब्जेक्शंस का पार्ट है, जो लोगों को प्रॉब्लम आती है ऑब्जेक्शंस हैंडल करने में, उसको लेकर के प्रॉपर ब्रीफ में एक्सप्लेनेशंस। तो इसको लेकर कोई डिस्कशन में नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको सिर्फ अवेयर किया है और इसको लेकर के मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, राइट। बाकी देखो, ओवरऑल हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर अंदर, अपने प्लान के अंदर अंदर, जिससे हम बहुत कम समय के अंदर अंदर बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने एटीट्यूड पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ा एटीट्यूड इस बिजनेस के अंदर ये है कि हम सिस्टम को फॉलो करें। बहुत सारे लोग सिस्टम के अगेंस्ट जाकर के जो काम करते हैं उनको टेम्पररी कुछ प्रॉफिट होता है, बट इवेंचुअली वो एक बड़ा नेटवर्क ना बना पाते हैं या सस्टेन नहीं करा पाते। ठीक, दूसरा, इस बिजनेस के अंदर अंदर एक प्रॉपर मोमेंटम की जरूरत है, राइट। आपका बिजनेस आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है और आपके ग्रुप का बिजनेस आपके मोमेंटम पे डिपेंड करता है, राइट। मोमेंटम का मतलब होता है माहौल। आप अपने आप को किस माहौल में रखते हैं, आप अपनी टीम को किस माहौल में रखते हैं, आप उनको एक कैसे गुड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे पाते हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अपलाइन और हमारे बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं होते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे काम करने में जो है पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं होते। तो हमें इस बिजनेस में अगर ग्रो करना है तो हमारे और हमारे अपलाइन के बीच में या हमारे या हमारे कस्टमर के बीच में सिर्फ एक इंटरेक्शन यहाँ पे आपको करने की परमिशन है, वो इंटरेक्शन है पॉजिटिव इंटरेक्शन। कभी भी अगर आप नेगेटिव इंटरेक्शन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तरह तरह की चीजों को लेकर बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपके ग्रुप का मोमेंटम डाउन हो जाता है। जब भी आप सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं या जब भी आप एक निगेटिव में चीजों को प्रमोट करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो आपका और आपके ग्रुप का मोमेंटम डाउन हो जाता है। तो बेसिकली आने वाले 2 से 3 महीने में आपको बताऊं कि बहुत बड़ा बिजनेस का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होने वाला है इनवे के अंदर अंदर, जिसको लेकर के हो सकता है सर अभी डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव ए न्यू टारगेट, हमारे लिए एक न्यू टारगेट है सर, अभी उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा टारगेट है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है और एक बहुत बड़ा माहौल देने का काम की जो है तैयारी हो चुकी है, बट उसके लिए हमें एक सही एटीट्यूड के साथ लगने की जरूरत है। और बाकी की चीजें भी सर डिस्कस करके आपको, सो टाइम है नहीं मेरे पास, सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।